हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ तंदूरी मैगी। और मैं बहुत दिन बाद आई हूँ, एक डेढ़ साल बाद आई हूँ, और इधर बिजी हो गई थी। इसलिए यहाँ पर मेरा फिर से चैनल स्टार्ट हुआ है और मैं बनाने जा रही हूँ तंदूरी मैगी। इसलिए हमें जो पैन चाहिए, ये नॉन स्टिक का पैन नहीं होना चाहिए और एल्युमिनियम का नहीं होना चाहिए, स्टील का पतला जितना हो उतना अच्छा है। और इसके लिए हमें चाहिए टमाटर, प्याज, पत्ता गोभी। इसको बनाने के लिए पहले हम इसे गरम करेंगे। और ये ऑलिव ऑयल है, आप चाहे कुछ भी डाल सकते हैं, जो हम यूज़ करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं यही डालें। थोड़ा सा तेल डाल दीजिए और इसमें जब धुआं उठने लगे बहुत ज़्यादा, ये आपको दिख रहा है, थोड़ा सा धीमा कर दीजिए। जहाँ आपको लगे कि ज्यादा हो रहा है तो वहाँ धीमा कर दीजिए, कम कर दीजिए। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारी प्याज हो गई है। ये देखिए तंदूर, इसकी खुशबू पूरी तंदूरी चिकन जैसी, और तंदूरी जितने भी आइटम्स बनते हैं तंदूरी इस तरह से आ रही है। अब मैं इसे बंद कर दे रही हूँ, ज्यादा हो रहा है। बहुत ही अच्छी खुशबू है, बिल्कुल लग रहा है लकड़ी के चूल्हे से कुछ बना हुआ है। आप इसे खा कर देखिए, बना कर देखिए, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी तंदूरी मैगी। एक बार जरूर ट्राई करिए, फिर आपको ना अच्छी लगे बस बनाइएगा, पर एक बार जरूर मंगाए बनाइएगा इसे। और तेल को ना डालने की जरूरत नहीं, थोड़े से तेल नहीं, खुशबू आ रही है, खुशबू के लिए डालना है। अभी हमारा टमाटर, हरी मिर्ची, देखिए आप धुआं देख रहे हैं, अच्छी तरह से तंदूर हो रहा है। जब आप खाएंगे तो इसमें स्मोक स्मोक महक आएगी। और ये हमारी सब्जियां हो गई हैं तंदूर में, अच्छी तरह से इसे तेज आंच पर करना है। जब आप इसे प्याज डाल देंगे तो ये इसमें आग लगने की कोई वो नहीं रहती है, लेकिन अगर आप तेल डाल के बहुत तेज आंच करेंगे तो अंदर से आग भी लग सकती है, तो आप ऐसा ना करें। हम दो कटोरी डाल रहे हैं, आप देख लीजिएगा मैगी कितनी बनानी है, इतना ही पानी डालिए। इसमें थोड़ा नमक डालेंगे, अब ये एक पाउच मैगी मसाला, और ये मैगी, और ये देखिए, ये जो बन रही है इसके अरोमा आ रही है, बिल्कुल लग रहा है आप तंदूरी ढाबे में बैठे हुए हैं। ये आपकी जो है तैयार हो जाती है। ये देखिए तैयार हो रहा है, लगभग तैयार हो गई है, थोड़ा सा और है। इसका खास ख्याल रखिएगा कि बस स्टील के ही पैन में बनाना है, आप एल्युमिनियम और नॉनस्टिक पैन में बिल्कुल मत बनाइएगा, वरना ये धुआं ज्यादा होगा नहीं तो फिर टेस्ट आएगा नहीं, तंदूरी टेस्ट नहीं आएगा। और तंदूरी टेस्ट के लिए स्टील बनाना बहुत जरूरी है। ये देखिए हो गई है, थोड़ी भी हमारी और हो जाए। मैगी लवर्स के लिए जरूरी नहीं इतना ही पानी डालें, आप और भी पानी डाल सकते हैं, अगर और कम भी कर सकते हैं, आपकी मैगी पर डिपेंड करता है कितनी मैगी आपने ली है। और ये देखिए पूरी तरह से मैगी सिमट आई है,
तेज आंच पे ही बनाना है, और लगे कुछ ज्यादा हो रहा है तो फिर आप कम कर दीजिए, नहीं तो अदरवाइज आप इस पे बना सकते हैं तेज आंच पे। ये हमारी मैगी तैयार हो गई, आप धुआं देख सकते हैं और खाने में भी उतनी टेस्टी है। पसंद हो तो लाइक।